कान्हा जी की कृपा के साथ आज हम नुकीली चीजें वास्तु अनुसार घर में कौन सी दिशा में रखें इसके बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, नुकीली चीजें जिसमें कि कैंची, सिलाई मशीन, सुई, ये सब आते हैं और ये घर के एक छोटे से हथियार माने जाते हैं जो कि हर घर में मिलते ही हैं। कहने का ये मतलब है कि ये बहुत छोटे होते हैं बट इनका काम बहुत ही बड़ा होता है। जिस भी जगह पे, जिस भी जोन में ये आप इन्हें रखते हैं, ये उसी को इफेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि मान लो हम कैंची की बात करते हैं तो इसका काम काटने का होता है, कपड़े को, पेपर को, हर किसी चीज़ को ये काटती है। तो जहाँ जिस जोन में ये रखी जाती है उसके अस्तित्व को ये मिटाती ही है। मान लो आपके घर में कैंची आपके पश्चिम में रखी हुई है और पश्चिम जो है वो गेन एंड प्रॉफिट की दिशा मानी जाती है और यह आपके लाइफ में होने वाले हर प्रॉफिट को इसी तरीके से धीरे धीरे काटती ही जाएगी। अगर ये वहाँ रखी है तो ये आपके प्रॉफिट को भी काटती ही रहेगी। आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, वेस्ट भी हमारा सही है, वहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, तो हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप चेक करें कि कहीं आपके वेस्ट में कोई तेज़ धार वाला हथियार तो नहीं रखा, कोई कैंची, कोई चाकू या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रखी। मतलब इन 16 दिशाओं के वास्तु में हर छोटी छोटी बातें इफ़ेक्ट करती हैं। कलर्स तो करता ही है लेकिन इसके अलावा ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं यदि आप इन्हें मानते हैं तो। पहले भी कह चुकी हूँ कि वास्तु तभी आप यूज़ करें यदि आप उसे मानते हैं। यदि आप उसे नहीं मानते तो उसमें अपना दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मानो सिलाई मशीन के बारे में बात करते हैं तो इसमें सुई भी होती है और यह मशीन जो है बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है यदि सिलाई मशीन पे कोई काम करते हो तो पहले आप कपड़े को काटोगे, उसको जो है 10 जगह से उसे कैंची से काट के उसमें फिर सिलाई करके तब उसे बनाते हो। तो पहले इसे बिगाड़ा जाता है फिर बनाया जाता है और कई कई कपड़े इसमें बिगड़ भी जाते हैं। बट मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि कपड़ा बनाने से पहले उसमें यह मशीन छेद करके अपने धागे की जगह बनाती है और तभी ये कपड़ा उसका तैयार होता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वास्तु अनुसार आप इसे भी सही दिशा में रखें, नहीं तो ये आपके संग भी ऐसे ही करेगी। मान लो आपकी अच्छी दिशा पे ये रखी है, आपको उसका प्रॉफिट देगी बाद में, लेकिन पहले आपका जो है छेदन कर देगी, उसके बाद ही जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। तो परेशानी से बचने के लिए बेस्ट है कि आप इसे भी वास्तु अनुसार सही जगह पर रखें। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि 16 दिशाओं में आप इन्हें कहाँ रखें तो आपकी इस दुविधा को हम कम करते हैं। आप इन्हें जो है इनके असर को कम करने के लिए आप इन्हें उस जोन में रखें जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, यानी कि चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो पीसफुल रहे और जो लाइफ की चिड़चिड़ाहट है वो कम हो, तो उसके लिए यह भी एक बेस्ट उपाय है। आप इन कैंची को, सिलाई मशीन्स को ESE और WNW दिशा में रखें। इनके बारे में वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत वीडियोस में, अब आपको जानकारी हो चुकी है कि ESE और WNW डायरेक्शंस कौन सी हैं। फिर भी आपके लिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ दोबारा। ESE जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा होती है, पूरब और आग्नेय कोण के बीच की दिशा ESE कहलाती है, जो कि चर्निंग की दिशा होती है, एंग्जायटी की दिशा होती है। ऐसे ही WNW जो कि W और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा है, पश्चिम और वायव्य कोण के बीच की दिशा, जो कि डिप्रेशन की दिशा मानी जाती है। तो इन दोनों जोन में आप जो है यदि इन्हें रखते हैं तो आपकी टेंशन और डिप्रेशन कम होती जाएगी। धीरे धीरे टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कम होती जाएगी। आप धीरे धीरे फील करेंगे कि हाँ, हमें इन चीज़ों से मुक्ति मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है। बट ध्यान रखें कि हमेशा तेज़ धार वाले जो हथियार होते हैं उन्हें ढककर ही रखना चाहिए, चाहे कहीं भी रखे हों। अगर आपको ये डायरेक्शंस नहीं पता तो कहीं भी आपने रखी हुई हैं तो उन्हें हमेशा ढककर रखें ताकि उनका इफ़ेक्ट कम हो। जैसे किचन में भी हम यूज़ करते हैं, किचन में चाकू होते हैं, छुरियाँ होती हैं, तो उन्हें भी आप छिपा कर रखें, ढक कर रखें। ऐसे ही यदि आप ESE में आप इन्हें रख रहे हो, ESE साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप रख रहे हो तो इसे ग्रीन कलर से ढक कर रखें, और WNW यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख रहे हो तो वाइट कलर से आप इसे ढक कर रखें, सफ़ेद रंग से। कवर जो है इन कलर्स का यूज़ करें, और नहीं तो लाइट क्रीम कलर सबसे बेस्ट है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लाइट क्रीम। अब यदि ऐसे ही हम शू रैक की बात करते हैं, शू रैक के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट डायरेक्शन यदि शू रैक की हम बताएं 16 डायरेक्शंस में, वो सिंपल वास्तु के अकॉर्डिंग शू रैक की दिशा है, और ये 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम बताएं
तो सबसे बेस्ट जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो है सबसे बेस्ट होती है, WNW जो कि डिप्रेशन की दिशा है। यहाँ यदि आप शूरक रखते हो, वाइट कवर इसको ढकने में यूज़ करते हो, येलो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वाइट सबसे बेस्ट है इसके लिए, तो ये जो है आपके डिप्रेशन में कमी आने लगती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें, ख़ास ध्यान रखें कि 16 दिशाओं में इन दिशाओं को ढूंढें और अपनी कैची मशीन यहाँ रखें, सेट करें उन्हें। और 16 दिशाएं कैसे बनती हैं ये आपको हम पिछली वीडियोस में काफ़ी में बता चुके हैं, और यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखा है, आप जो है अपने घर का मैप भेज सकते हैं, उसमें हम 16 डायरेक्शन प्रोवाइड करके आपको दे सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये चेक करके ज़रूर देखें कि इस समय आपकी कैची मशीन कहाँ रखी है, क्या आपको उस जोन का इफ़ेक्ट हो रहा है जिसमें ये रखी हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप उससे परेशानी हो रही है, जैसे कि आपने साउथ ईस्ट में रखी है और अब मनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे वहाँ से तुरंत हटाएं और इसे WNW और ESC डायरेक्शन में शिफ्ट करके रखें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी पूरी पूरी हेल्प मिलेगी, हर वीडियो से मिलती है, इससे भी पूरी पूरी हेल्प मिलेगी, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। अगली वीडियो में फिर से एक नई समस्या को उसके समाधान के साथ आपके सामने रखते हैं। तब तक नमस्कार।